हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगी और नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी समझाऊंगी। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चार क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थी चाय, 55 विद्यार्थी कॉफ़ी, 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं आपको इसको दूसरे मेथड से समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए, टोटल कितने स्टूडेंट है। टोटल हैं 100 स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें से 30 विद्यार्थी चाय पीते हैं। टी कितने लोग पी रहे हैं, 30 विद्यार्थी, और कॉफ़ी कितने विद्यार्थी पी रहे हैं, 55, और दोनों ही यानी टी और कॉफ़ी दोनों ही 20 विद्यार्थी पी रहे हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसमें देखना है आपको, पहली बात तो आपको 55 और 30 को ऐड कर देना है, यानी कि कॉफ़ी और चाय पीने वाले स्टूडेंट को आपको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 30 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 85, ठीक है। और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं, तो दोनों ही पीते हैं, तो 85 में से आपको 20 माइनस कर देना है। 20 माइनस कर देंगे आप लोग तो इसमें आ जाएगा आपका 65, ठीक है। सबसे पहले टी और कॉफ़ी दोनों ही पी रहे हैं 85 स्टूडेंट, जिसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टी और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं, ठीक है। तो इस फिर आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया गया है टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 100। तो 100 में से जब आप 65 माइनस कर देंगे, 100 में से जब आप 65 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि चाय या कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं। तो आपको किस ऑप्शन में 35 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, क्या किया मैंने ध्यान से देखिएगा, चाय और कॉफ़ी जो अलग अलग पी रहे हैं उनको प्लस करके, दोनों ही जो पी रहे हैं उसमें से माइनस करके टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देना है। एक इसका मेथड और है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 30 विद्यार्थी चाय पीते हैं, यानी कि 100 है टोटल, तो इसको हम लोग नहीं मान लेंगे। नहीं मतलब कि 100 में 30 आप माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा, और इसी तरह 100 में 55 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा, और इसी तरह आपका जो है इसमें 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो 20 प्लस कर देंगे, ठीक है, इसमें से 70, इसमें से 45 और 20, और जो सारा प्लस आएगा उसमें से हम लोग 100 को माइनस कर देंगे। तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 135, और इसमें फिर आप 100 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35। दो मेथड से मैंने आपको इसको सॉल्व करा दिया, जो भी आपको मेथड इजी लगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चाय या कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, यानी कि संख्याएं कितनी है 6, उनका औसत यानी एवरेज क्या है 8। कौन सी सातवीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत एवरेज जो है 10 हो जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है, दिया है 6 संख्याओं का औसत 8 है, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी 6 × 8, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, 48 आ जाएगा। फिर आपको देना आंसर, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी सातवीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए, यानी कि 7 × 10 आपका ये आ जाएगा 70, ठीक है। अब 70 में से आप 48 को माइनस कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंपल क्या करना है, पहले जो एवरेज दिया हुआ है वो संख्या टोटल आपको पता कर लेनी है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उससे भी एवरेज का पूरा निकाल देना है, फिर दोनों को हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो 70 में से 48 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 22, और ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले जो संख्या दी है उसका औसत आपको दिया रहेगा, तो आप संख्या निकाल लेंगे टोटल, और क्योंकि यहाँ एवरेज दिया हुआ है, और उसके बाद भी टोटल निकाल करके आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पार्ट वन चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको एलिगेशन रूल से समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 60 विद्यार्थियों यानी कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक कितना है, 82, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं, ठीक है, और औसत अंक क्या है उनका, 82 है, और उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत कितने हैं, 80 और 85, यानी कि बॉयज़ का औसत क्या है, 80, और गर्ल्स का औसत क्या है, 85। तो कक्षा में लड़कों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। ये 60 दे रखा है टोटल स्टूडेंट, इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, उनका एवरेज मार्क कितना है, 82, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिलाकर का एवरेज उनका 82 है। बट अलग अलग बात की जाए तो बॉयज़ का एवरेज 80 है, गर्ल्स का एवरेज जो है 85 है। तो आपको लड़कों की संख्या बतानी है, लड़कों की संख्या बताने के साथ साथ मैं आपको लड़कियों की संख्या कैसे बतानी होगी ये भी आपको बता दूंगी। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलिगेशन रूल से, एलिगेशन मैथड से। इसमें क्या होता है कि आपको देखना है कि औसत क्या है, औसत है 82, ठीक है, 82, ठीक है, और गर्ल्स का क्या है, 85, बॉयज़ का क्या है एवरेज, 80। तो आप 82 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको एक इस पेज में बताती हूँ इसमें क्या करना है। 82 को आप बीच में लिख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पे टोटल एवरेज है। यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स का आप लिख लीजिए, बॉयज़ का एवरेज क्या है, 80, ठीक है, गर्ल्स का एवरेज क्या है, 85। थोड़ा और अच्छे से साफ से बता देती हूँ, यहाँ पे है बॉयज़ का, यहाँ पे है गर्ल्स का, यहाँ पर टोटल 82, ठीक है। बॉयज़ का क्या है, 80 है, गर्ल्स का क्या है, 85 है, ठीक है। अब एलिगेशन में हम लोग ऐसे आप सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा। तो 82 से 80 माइनस करेंगे आप, 82 से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 85 से 82 को माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपको रेशियो क्या मिला, रेशियो आपको मिला है, रेशियो आपको क्या मिला, 3:2, ठीक है, 3 सही 2 आपको रेशियो मिला है। क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में बॉयज़ का एवरेज पूछ रहा है, तो बॉयज़ के देख लीजिए यहाँ पे 3 आया है, तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे अपॉन टोटल 3+2 5। और मैंने जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60, यहाँ पे 60। इसको जब आप लोग सॉल्व कर देंगे, फिर से देख लीजिए रेशियो क्या आया था, 3:2, आपको बॉयज़ का पता करना है, तो यहाँ पे 3 अपॉन इनका टोटल 5 गुड़े टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी तरह कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर 36, ठीक है। तो बॉयज़ की संख्या क्या है, 36। इसी तरह अगर आपको गर्ल्स की पता करनी है तो नॉर्मली आप माइनस कर सकते हैं, आपके टोटल स्टूडेंट 60 थे, 60 में से आप इसमें से बॉयज़ का माइनस कर देंगे तो गर्ल्स की आपका स्टूडेंट अपने आप ही निकल जाएगा। इन केस अगर आपको गर्ल्स का निकालना होता तो आप कैसे करते, जो रेशियो आपका आया है, ठीक है, रेशियो आपका क्या आया था, 3:2, यहाँ पे बॉयज़ का था, यहाँ पे गर्ल्स का था, टोटल स्टूडेंट आपके थे 60, तो गर्ल्स के निकालने, गर्ल्स आप लिखते, गर्ल्स का नंबर 2/5 × 60, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाता, यहाँ पे आ जाता 24, माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने मेथड आपको बताया, इस तरह के मैथडों को आप लोग क्या बोलते हो, एलिगेशन रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। एक क्वेश्चन आपके सामने मिक्सचर से है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। 20 लीटर मिक्सचर में टोटल कितना लीटर दे रखा है, टोटल आपको पता है क्वेश्चन में दिया है 20 लीटर, उसमें से 20% क्या है एल्कोहल, परसेंट की बात की है यहाँ पे,
आपको एग्जैक्ट वैल्यू कितना लीटर है अल्कोहल का वो नहीं पता है, आपसे यहाँ पे कहा है 20% है और शेष क्या है पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि कितने लीटर है, 20 लीटर है, इसमें 20% क्या है अल्कोहल है। ठीक है, 20% अल्कोहल है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर ये क्या है अल्कोहल है। ठीक है, बाकी क्या है पानी है, और आपसे क्वेश्चन कहा है कि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। ठीक है, तो 4 लीटर यानी कि 20 लीटर में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा, तुम्हारा मिक्सचर तो 24 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और आपको अल्कोहल की वैल्यू पता चल गई 4 लीटर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 लीटर का 20%, क्योंकि 20% आपका अल्कोहल है, तो मैं अल्कोहल की वैल्यू मिल गई 4 लीटर। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 4 लीटर और मिला दिया जाता है, तो टोटल ट्वेंटी था, 4 लीटर इसमें क्या मिक्स किया गया है, 4 लीटर इसमें पानी और मिला दिया जाता है, तुम्हारा जो टोटल वो 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया 24। ठीक है, अब अल्कोहल कितना था, 4 लीटर, तो आपसे पूछा है कितना उसमें, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत पूछा है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो 4 लीटर अल्कोहल था आपका, ठीक है, प्लस अपॉन टोटल कितना था, 24। ठीक है, मिक्सचर टोटल 24 था और मैंने आपसे निकाला तो ये 4 लीटर आपका अल्कोहल आया, परसेंटेज पूछा है तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको अल्कोहल का प्रतिशत यहाँ पे निकल जाएगा, तो 4/24 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 100/6। अब आप लोग 100/6 को सॉल्व करेंगे तो आपका यह आ जाएगा 50/3, और जब ये मिक्स फॉर्म में आंसर आ जाएगा, आपको वैसे पता ही होगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं, 50 यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिक्स फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 16:2/3। कैसे आया ये बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 50/3, आप लोगों में से बहुत को आता होगा बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रही हूँ जिसको नहीं आता, ये 50/ यहाँ पे 3 है तो 3 × 1 = 3, यहाँ पे माइनस किया 2 आया, यहाँ पे आपने 0 लिखा, फिर 18 और यहाँ पे 2। ठीक है, जो कोशंट होता है इसको हम लोग कोशंट कहते हैं, यहाँ पे 16 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना है, ये रिमाइंडर है, यहाँ पे 2 हो जाएगा अपॉन जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 16:2/3 ये आपका आंसर है। ठीक है, 16:2/3 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मैथ्स के 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पहले पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे। इसका Part 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।